टॉपिक uh, हो जाता है या वो एक ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए बन जाते हैं कि हम उनको वॉइड करार दे देते हैं द सेम वे नेक्स्ट वी हैव अनसर्टेन एग्रीमेंट्स सेक्शन ट्वेंटी नाइन हमें कहता है कि जो एग्रीमेंट्स कंप्लीटली अनसर्टेन नेचर के हैं जिसमें कि अनसर्टेनिटी है यू आर नॉट श्योर पार्टीज डोंट नो व्हाट टू डू एंड दे हैव डिपेंडेड ऑल द थिंग्स ऑन फ्यूचर तो यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट्स को हम वॉइड करार देते हैं बिकॉज contract needs surety needs certainty. lights So discussing the meaning of what exactly section 29 conveys to us and why this section is so important in Indian contract Act my dear students of agreements the meaning of which is not certain. ऐसे एग्रीमेंट्स जिनका मीनिंग ही सर्टेन नहीं है जिसको पढ़ के आपको ये ऐसा लगता है कि आप श्योर नहीं हुए हो अभी भी बहुत कुछ बातें हैं जो फिनिश नहीं हुई हैं कंप्लीट नहीं है और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन या अभी जिसमें बहुत कुछ एड ऑन करना बाकी है देन दैट एग्रीमेंट्स आर वॉइड समझते हैं कि एग्जाम्पल्स है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सपोज कीजिए ए अ पर्सन एग्रीज टू सेल टू बी हंड्रेड टन ऑफ ऑयल ए कहता है बी को कि मैं तुम्हें सौ टन ऑयल बेचता हूँ या दूंगा ठीक है मैं तुम्हें बेच रहा हूँ अब यहाँ पर ये श्योरिटी नहीं आ रही है कि ऑयल कैसे ऑयल की बात की जा रही है वेदर इट्स अ मशीनरी ऑयल अ कुकिंग ऑयल एंड इफ एनीथिंग पर्टिकुलर देन विच टाइप ऑफ ऑयल सो देर इज़ नथिंग वट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड दोनों ही तरीके से हमें नहीं समझ में आ रहा ए को बस ये पता है कि उसको टन ऑयल बेचेगा बी नथिंग एल्स इज गिवन तो क्या आप ऐसे एग्रीमेंट को ये कहोगे कि ये वैलिड है अब हाँ इसमें एक चीज़ समझ के देखिए बाय चांस सपोज कीजिए जो ए है हु इज़ अ डीलर इन अ कोकोनट ऑयल सपोज कीजिए ए जो है जिसके पास सिर्फ कोकोनट ऑयल ही मिलता है और सबको पता है कि ये कोकोनट ऑयल में ही डील करता है वो अगर बी को कहता है बी टू सेल कि मैं तुम्हें हंड्रेड टन ऑफ ऑयल दूंगा तो अब यहाँ से आपको क्लियरली पता है भैया ए के पास तो कोकोनट ऑयल ही मिलेगा ऑलराइट देन देयर इज सर्टेनिटी इन द एग्रीमेंट यहाँ पर यू आर सर्टेन यू हैव द नॉलेज एंड यू नो पर्टिकुलरली इन विच काइंड ऑफ ऑयल ही इज डीलिंग सिमिलरली सपोज की जब एक और एग्जाम्पल देते हैं ए एग्री करता है टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन इन माई ग्रोसरी एट रामनगर ठीक है जितना भी ग्रेन मेरे पास है एट रामनगर मैं तुम्हें वो बेचता हूँ देर इज़ नो अनसर्टेनिटी क्यों क्योंकि आपको पता है ग्रेन मिलेगा एंड यहाँ पर uh, वो प्लेस कौन सा होगा रामनगर तो ये इसको आप वॉइड नहीं करार कर सकते ठीक है यू आर श्योर अबाउट इट सो देर इज़ नो अनसर्टेनिटी टू मेक द एग्रीमेंट वॉइड बट वॉइड कैसा एग्रीमेंट होगा जिसमें यू आर नॉट श्योर वट काइंड ऑफ ऑयल इट इज़

एंड में वो क्या ऐड करता है कि जो मुझे ठीक लगेगा जो मुझे वैलिड लगेगा रीजनेबल लगेगा मैं तुम्हें उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी सर्विसेज का तुम्हें पे कर दूंगा तो ये तो नॉर्मल बातचीत हुई अब ना यहाँ पर ये पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज ना यहाँ पर ये हुआ है कि हाउ मच अमाउंट ही विल पे सो लेटर बीइंग विद द पेमेंट अब जब ए बी को पेमेंट करता है तो बी को बी नाराज हो जाता है उसको पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है पेमेंट लेकर क्योंकि उसने तो ज्यादा काम किया होगा तो वर्ड वो, वो क्या करता है ही स्यूज़ ए ए बी को स्यू कर देता है नाउ बी सूट विल नॉट बी एडमिटेड बाय द कोर्ट क्या होगा कि जो बी ने सूट फाइल किया है वो कोर्ट में फाइल होगा ही नहीं कोर्ट उसको एडमिट करेगी ही नहीं वाई बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस कंटिजेंट अपॉन द मेयर विल एंड प्लेजर ऑफ द प्रोमिसर जो यहां पर परफॉर्मेंस होनी थी मीन्स जो पैसे पे करने थे वो तो एक ही विल पर डिपेंड है विश पर डिपेंड है एंड दैट इज जस्ट अ अंटिजेंट थिंग सो देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट देर इज नो सर्टेनिटी देर इज नो पर्टिकुलर थिंग जो गिवन हो आपको राइट तो ये एग्रीमेंट क्या होगा वॉइड कंप्लीटली वॉइड लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइ डियर स्टूडेंट इन गुथिंग वर्स लिन 1831 का केस है यहां पर क्या हुआ था अ हॉर्स वॉज बोट फॉर अ सर्टेन प्राइस एक हॉर्स को खरीदा जा रहा है फॉर अ सर्टेन प्राइस कपल्ड विद द प्रोमिस टू गिव पाउंड फाइव मोर इफ द हॉर्स प्रूव्ड लकी अगर जो बायर है वो कह रहा है कि अगर मेरे लिए ये घोड़ा मैं खरीद रहा हूं तुमसे बट अगर ये मेरे लिए, लिए लकी भी हुआ आई विल गिव यू मोर फाइव पाउंड सो द एग्रीमेंट वॉज हेल्प टू बी वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी एग्रीमेंट को वॉइड करार दिया गया क्यों करार दिया गया है ये फ्यूचर पर डिपेंड है खरीदने के बाद अब उसके लक में आती है चीज तो ठीक है नहीं आएगी तो वो नहीं करेगा पे इट्स इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द फ्यूचर थिंग है अनसर्टेनिटी है वेयर द गुड्स आर सोल्ड एट सच प्राइस एज शुड बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज मीन्स ऐसे प्राइस पर अगर कुछ भी चीज ली या दी जा रही है जिसका प्राइस पार्टीज खुद डिसाइड करेंगी फ्यूचर में द एग्रीमेंट वर हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर प्राइस की आपने श्योरिटी नहीं दी आप खुद ही कह रहे हो कि मैं फ्यूचर में तुम्हें पे करूँगा सो एन एग्रीमेंट टू एग्री इन द फ्यूचर इज अवॉयड कॉन्ट्रैक्ट कम्पलीटली अवॉयड होता है फॉर देर इज नो अनसर्ट देर इज नो सर्टेनिटी वेदर दार्टीज विल बी एबल टू एग्री और नॉट एंड देर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से आप इस चीज को कॉन्टेक्ट नहीं करोगे कि हम फ्यूचर में कुछ बनाएंगे ऑल राइट देन नेक्स्ट वी हैव अनदर केस ऑफ मे एंड द द किंग किंग इन का केस है यहां पर क्या हुआ था एक एग्रीमेंट था फॉर द सेल ऑफ टेंट्स विद द टेंदिपुलेशन दैट द प्राइस डेट्स ऑफ पेमेंट एंड मैनर ऑफ डिलीवरी शैल बी एग्रीड अपॉन फ्रॉम टाइम टू टाइम कि हम टाइम टू टाइम इन चीजों पर डिस्कस करते रहेंगे कि कितना प्राइस पे करना है किस डेट को करना है कैसे डिलीवरी होगी एवरीथिंग तो व्हाट कैन यू से राइट नाउ अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इट गिविंग यू एनी श्योरिटी एनी सर्टेनिटी नो नॉट एट ऑल सो दिस एग्रीमेंट वाज कंप्लीटली हेल्ड टू बी अवॉइड द लॉ रिक्वायर्स फॉर द मेकिंग ऑफ अ गुड अ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड बार्गेन मीन्स हर चीज आप कंक्लूड करिए एंड अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट इन वन विच सेटल्स एवरीथिंग टू बी सेटल्ड एंड लीव नथिंग टू बी सेटल बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऐसा कुछ भी ना रहे कॉन्ट्रैक्ट में जो कि पार्टीज को इन फ्यूचर डिसाइड करना हो आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी बन रहा है मेक इट श्योर दैट यू राइट एंड यू मैंशन एवरी थिंग इन इट कम्प्लीटली द सेटलमेंट बट वन थिंग हेयर दैट ऑन द अदर हैंड प्रिलिमिनरी नेगोशियेशन है डेफिनेट शेप अगर आपका स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल परफेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर बन गया है देन पार्टीज कैन बी कंपेल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन दो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए जो चीजें सेटल हो चुकी हैं ऑल राइट जो चीजें सेटल नहीं है देन दैट टर्म विल नॉट बी इंक्लूडेड और अगर आपने उस टर्म को इंक्लूड किया तो वो टर्म वॉइड मानी जाएगी सो विद माई डिया स्टूडेंट्स आई होप सेक्शन ट्वेंटी नाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है यू गेट कम्प्लीट नॉलेज अबाउट दैट एंड वाई दिस इज सो 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 इंपॉर्टेंट ओके सो कीप रीडिंग कीप लर्निंग एंड स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट कमिंग सेशन है गुड डे थैंक यू